পেট্রোলের বদলে গাড়িতে দেওয়া হচ্ছে জল, এমনটাই অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির জংশন সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পেট্রোলের বদলে জল দেওয়ার অভিযোগে পেট্রোল পাম্পে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যদিও পরে পাম্প কর্তৃপক্ষের তরফে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে জংশন সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পে বেশ কয়েকজন গাড়িতে পেট্রোল ভরাতে যান। অভিযোগ, সেখানে তাদের বলা হয় যে নিয়মিত পেট্রোল নেই, তাদের স্পিড পেট্রোল নিতে হবে। জরুরি থাকার কারণে অনেকে স্পিড পেট্রোল নেন, এরপর কিছুদূর যেতেই তাদের গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মেকানিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে দেখা যায় গাড়িতে পেট্রোলের জায়গায় জল দেওয়া হয়েছে। এরপরই পেট্রোল পাম্পে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান বহু গ্রাহক। এ বিষয়ে জংশন পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, বর্তমানে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানলও আসে, যেখানে এক ফোঁটা জল পড়লে পুরো পেট্রোল জলে পরিণত হয়। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে, এই কারণে সমস্যা হচ্ছে। যারা এই পাম্প থেকে পেট্রোল নিয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। कल रात को पेट्रोल भरा के गया था, साढ़े 11-12 बजे भरा के गया। हम लोग का काम रहता है मेडिसिन का, तो हम तो घर तो पहुंच गए क्योंकि थोड़ा पेट्रोल था नीचे। तो आज सुबह गाड़ी बंद हो गया, ठीक है। गाड़ी बंद होने के बाद मेरा जो मैकेनिक है यहाँ पर गैरेज में लेके गया, तो वो बोल रहा है कि पूरा पानी है। तो आज आया कंप्लेन करने, देख रहा है सबका, मतलब पेट्रोल पंप में जितने भी अभी भरा है ना, सबका एक ही है कि पानी जा रहा है, स्पीड से पानी निकल रहा है। ओके। और बोल रहा है कि पेट्रोल में पेट्रोल नहीं है, सिर्फ स्पीड है, भराना है तो भराओ वरना जाओ। ये कौन सा पेट्रोल पंप हुआ? ये तो जंक्शन का है, भारत पेट्रोलियम का। तो और क्या अभी क्या तो है? अभी स्पीड से निकाला, उन लोग के सामने निकाला स्पीड से, उसमें से सिर्फ अभी पानी तक निकल रहा है, पानी निकल रहा है। हाँ, पेट्रोल है, पेट्रोल रहते हुए सब मना कर रहा है कि पेट्रोल नहीं देना है, अभी पेट्रोल नहीं है उसमें, स्पीड वाला स्पीड है, स्पीड डालो वरना चले। अभी तो शॉर्ट आउट कर रहा है, देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। बोल रहा है गाड़ी में, गाड़ी जो है वो जिसका जिसका खराब है, जहाँ पर खराब हुआ है उधर से ठीक करवा के देगा, ड्रेन करवा के फिर से पेट्रोल भरा के देगा। वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पर आए अभी 1-1.5 घंटा बाद। हम लोग इधर 1-1.5 घंटा से खराब हुआ है ना, सबका है ना, जिसका जिसका प्रॉब्लम है। देखिए ना, इधर में जितना गाड़ी है ना, सबका खराबी है, क्या करेंगे, भरोसा उठ जाता है भैया। नॉर्मल बाहर से कोई पेट्रोल नहीं भराता कि उसमें कुछ खराबी ना रहे, इसीलिए थोड़ा लेट भी होता है ना, तो पेट्रोल में आके भराते हैं। रात 11:30 बजे आते हैं पेट्रोल पंप, इसीलिए ना कि थोड़ा अच्छा तेल पेट्रोल मिले, भी पैसा दे के ले रहे हैं। ऐसे भी तो महंगा चल ही रहा है, 105 रुपये 6 रुपये लीटर, उसमें भी अगर स्पीड डलवा रहा है 113 रुपये 14 रुपये, उसमें भी सर वही मिल रहा है। देखिए तो क्या बोलेंगे, बोलिए। रात में जब गाड़ी निकला बंद हुआ, वो फोन मेरा भैया फोन किया, सुबह जब गाड़ी निकला उसमें जब तेल निकला 3.5 लीटर पानी निकला। कितना लीटर? 3.5 लीटर पेट्रोल पंप। दया ने बोला भारत पेट्रोल जंक्शन, भारत पेट्रोल पंप से मेरा गैस का अभी है, आप मेरे साथ चलिए, अभी देखा देंगे वो ये क्या। ये भैया इस दया ने अभी तक मेरा फोन किया, और जो भैया था उन लोग जो रिपोर्टर किया उसका भी, उसके साथ भी बात हुआ। आप जाएंगे फिर देंगे, ये इस प्रॉब्लम फिर होगा तो फिर ड्रेन करके फिर लेके आएंगे हम। पावर से क्यों नहीं देते लोग? हाँ। अभी तक तो बोला तो नॉर्मल बंद था। हाँ। पावर ऑन था, आप बोला नॉर्मल ऑन है, पावर ऑफ है, क्या इसका बात क्या? मतलब पहले पूछो इन लोगों को, ये चल हुआ वो बंद हो गया, तो क्या बोलो इस लोगों को? एक जो होगा तो बात समझ में आएगा, इतने लोग क्यों आएगा, क्या लोग बाइक से आए इधर भरने के लिए आए, तो बोला स्पीड में प्रॉब्लम था तो पानी निकला, ठीक है। अभी जो तेल लिए हैं नॉर्मल से हम लोग, जो बोल रहा है यहाँ से पेट्रोल लिया है, एक दो आदमी यहाँ से पेट्रोल लिया है, बाद बाकी जो रास्ता से जा रहा है वो तो सबको ऐसे बोलते ही है जो यहाँ से लिया, हम भी लिया, हमको भी पैसा दो, ऐसे तो सबको मजा लेता ही है ना। बिल तो अभी लिया, जो बिल तेल लिया वो अभी बिल लिया, ठीक है। अभी जो इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम से जो तेल आता है उसमें 10% इथेनॉल रहता है। इथेनॉल रहता है मतलब 4000 लीटर अगर आप पेट्रोल लेके आइएगा उसमें 400 लीटर इथेनॉल रहता है। उसमें अगर 1 लीटर या 2 लीटर भी पानी गिर जाए, बारिश हो रहा है, हम गाड़ी खाली कर रहे हैं, 400 लीटर पूरा पानी हो जाएगा, ठीक है। तो शायद हाँ, ये सब पंप में होता है, सब पंप में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो ये हो ही सकता है, ये नहीं होगा ऐसे कोई बात नहीं है, सब पंप में, आप किसी भी पंप में जाइए इथेनॉल के लिए तेल में प्रॉब्लम आ सकता है, पेट्रोल का जगह पानी नहीं, जो इथेनॉल जो रहता है वो अगर उसमें अगर 1 लीटर भी पानी बारिश के कारण अगर मिस गया तो वो तेल पानी हो जाता है। वो आप ही बोल रहे हैं, वो वैसे बोलने से नहीं होगा ना, देखिए जो आपको हम बताया वो नॉर्मल बात है, सब पंप में आप किसी भी पंप में जाइए इथेनॉल के लिए अभी ये टाइम में
आपका तेल जितना 10% जितना रहता है वो पानी हो सकता है, तो जिनके साथ आप किसी भी टाइम आके आप तेल चेक कर सकता है। तो उनका उनका वो तेल वो बोला है जो हमको हमारा गाड़ी जो कार्बोरेटर है वो सफा करके दीजिए, हमको तेल चेंज करके दीजिए, हो गया। हाँ हो सकता है, ये किसी भी पंप में ये हो सकता है, हमारा पंप के लिए बात नहीं है, सब पंप में ये समस्या हो सकती है। तो उसमें भी होता है, उसमें भी होता है, आदमी उसमें नहीं है शायद है या उसमें नहीं है ये अलग बात है, लेकिन दोनों में हो रहा है, पेट्रोल में भी होता है, हो सकता है, हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को भी तो प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश का टाइम में ये हो गई है, ये हमारा क्षेत्र में नहीं है, वो आप मतलब आप हम लोग का हाथ में नहीं है, ये हो सकता है।